हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग करवा चौथ की पूजन विधि की चर्चा करेंगे। करवा चौथ का व्रत सौभाग्यशाली महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मानता है कि इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बताया था और भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था। करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। करवा चौथ पर मुख्यतः भगवान गणेश, माता गौरी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। इस बार करवा चौथ का व्रत 20 तारीख को पड़ रहा है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा करके महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में शांति की कामना करती हैं और पति की लंबी आयु की प्रार्थना भी करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस बार चतुर्थी तिथि शुरुआत की 20 अक्टूबर यानी कल सुबह 6:46 पर होगी और तिथि के अनुसार ही व्रत को करना उचित होगा। वहीं करवा चौथ के लिए दो पूजन मुख मिलेंगे। पहला अजीत मुहूर्त 11:43 से लेकर 12:28 तक होगा और फिर दोपहर 1:59 पर होगा। इस बार करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय शाम 7:54 पर बताया जा रहा है। तो आप इसी हिसाब से अपना व्रत रखें और बाकी जो प्रेमी प्रेमिकाएं व्रत रखती हैं वो अपने हिसाब से रखें। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और पूजा घर की सफाई साफ करें और सास द्वारा दिया हुआ भोजन करें और भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प लें। संध्या के समय मिट्टी की वेदी पर सभी देवी देवताओं की स्थापना करें। इसमें 10-13 करवे रखें। पूजन सामग्री में धूप दीप चंदन गोली सिंदूर आदि थाली में रखें। दीपक में पर्याप्त मात्रा में घी होना चाहिए। चंद्रमा निकलने से लगभग 1 घंटे पहले पूजा शुरू की जानी चाहिए। अच्छा हो कि परिवार की सभी सदस्य महिलाएं पूजा में साथ में होनी चाहिए। पूजा के दौरान करवा चौथ कथा सुने या सुनाए। चंद्र दर्शन के बाद बहु थाली में मिष्ठान फल मेवे रुपए आदि रखे और अपनी सास को देकर उसका आशीर्वाद ले और सास से अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे। कुछ सावधानियां बरतनी ही है वो मैं आपको विधिवत बताता हूँ। करवा चौथ की पूजा करने के बाद करवा विवाहित महिलाओं को ही बाँट देनी चाहिए। निराहार रहकर दिन भर कलश की पूजा करनी चाहिए। रात्रि में चंद्र देव के उदय होने के बाद परंपरा अनुसार उसको विधि पूर्वक अर्घ प्रदान करें। इसके साथ ही गणेश जी और चतुर्थी माता को भी अर्घ देना चाहिए। ध्यान रखें व्रत करने वाले नमक भोजन से दूर रहें। व्रत कम से कम 12-16 साल तक करना चाहिए। इसके बाद उद्यापन कर सकते हैं। तो ध्यान रहे 12-16 साल तक। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके लिए करवा चौथ।